केकरा के पुकारत बाड़ केकरा के पुकारत बाड़ झूठों के समय बिगाड़त बाड़ केकरा के पुकारत बाड़ झूठों के समय बिगाड़त बाड़ ओकरा से उम्मीद धोखा दी ओकरा से उम्मीद धोखा दी तबहू भरोसा के ना आई आगे बढ़ावत बाड़ बोल रहा था हेरा से अभिनंदन मर बोलो के अपना कार्यक्रम जना के नामक खुटा ठोक के ये खाली फिर से लाइन से बेलाइन हो गई बा बिहार के राजनीति लगातार हुआ लोग सुन लो कब कि नीतीश कुमार जी मन बदलता रहे मिजाज बदलता रहे सरकार बदली बहुत कुछ होके के बात कहल जाता है लेकिन बहुत कुछ बदल गई और रुआ से पहलू बतौले रही लगातार ये बात के कहता नहीं कि 24 घंटा में कई हाली बिहार और देश के राजनीति करवट ले रहा बा खास करके करवट अभी जबकि चुनाव बहुत दूर बा चाहे लोकसभा के होके और चाहे फिर बिहार विधानसभा के होके लेकिन बात एजा से नहीं खे बात बा कि आखिर ये देश के अलग अलग राज्य में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जौन आक्रोश उत्पन्न हो रहा बा उ आक्रोश में के भारतीय जनता पार्टी के संगे रह करके और वह आक्रोश के हिस्सा बनी या फिर के आक्रोश करी दू गो धारा बा नीतीश कुमार जी बिहार में लंबा समय से भारतीय जनता पार्टी के संघाती बन हालांकि अगर कुछ दल के छोड़ दिया तो बेरी बेरी लगभग हर छोट मोट दल या फिर बड़ दल हो के क्षेत्रीय दलों के उस सब कांग्रेस के छोड़ के कभी ना कभी भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा जरूर रहल बा ये बात के पूरी तरह से अब बिहार के राजनीति से अगर जोड़ के देखल जाओ तो एक बात रुआ पता चली कि बिहार में बदलल परिस्थिति में राजनीति के धारा बदल गई बा और खास करके नीतीश कुमार जी जिनका पर पूरा दारोमदार बा उ बदल गई बा नीतीश कुमार जी के व्यवहार जैसन एक दिन दो दिन पहले रुआ देखनी और एक छोटा मोटा बात पर भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर नीतीश कुमार जी के संबंध खराब बा तो एकर दोष और लोग के कैसे ये तो नीतीश कुमार जी के आपन चुनल राय है 2013 में नीतीश कुमार जी छोड़ले रहन 2017 में फिर साथे चल गए नीतीश कुमार जी के आपन च्वाइस है जीतन राम मांझी के मुख्यमंत्री बनौले उतरले फिर उनका से दूरी बनौले फिर उनका के नज़दीक ले अले नीतीश कुमार जी के आपन सोच के तरीका बा और ये सारा बात में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी अक्सर अपना रणनीति और राजनीति में कहल तो जाला कि बहुत अव्वल हवे लेकिन कभी कभी झटका खा जाले जैसे 2005 से लेकर के 2021 तक के रुआ पूरा इतिहास देखी तो इतिहास में बहुत कुछ रुआ समझ में आई लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जो उनका पार्टी के भीतर चल रहा बा कारण वो भी हो सकेला भले नीतीश कुमार जी ये बात के लेकर के लगातार कहत होकस कि उनका पार्टी में सब कुछ ठीक बा लेकिन उनकर उड़ही गुड़ही छान के अब भीतर से निकाल निकाल करके कहीं ना कहीं अब आरजेडी पूरा ध्यान लगा दिले बा बीच में कहल जात रहे कि संबंध बेहतर हो गई नीतीश कुमार जी फिर से एक हाली महागठबंधन के तरफ शिफ्ट करते रहे बिहार में सरकार बदली बहुत कुछ हुई लेकिन इस संभव भी ना रहे भारत लाइव वालों को बतौले रहे कि नीतीश कुमार जी वर्तमान परिस्थिति में कुर्सी छोड़े खातिर तैयार नहीं खन और बिना कुर्सी छोड़ले उनका समझौता ना हो सकेला कारण कि भारतीय जनता पार्टी अगर पीछे पीछे चलता तो आरजेडी पीछे पीछे चले खातिर अब एको डेग तैयार नहीं है 2017 के झटका लालू प्रसाद से ज़्यादा झटका देले बाई तेजस्वी यादव के तेजस्वी यादव जौन वर्तमान परिस्थिति में पार्टी के जौन तरीका से ढांचा बनौले बड़े वो ढांचा में जब तेज प्रताप यादव के स्थान नहीं है तो रुआ और लोग के स्थान कैसे समझ सकिले एगो नया धारा के राजनीति के शुरुआत तेजस्वी यादव के लिए बड़े जौन में हर तरह के सामंजस्य बैठा करके एम वाई से ए टू जेड कर दिले बड़े और एक चर्चा भी हो रहा बा नीतीश कुमार के बात अब समझ में आ गई बा कि भारतीय जनता पार्टी तो नीतीश कुमार के पीछे पीछे चले खातिर मजबूर हो सकेला ओकरा के मजबूर कई जा सकेला कारण कि ओकर कमजोर नस नीतीश कुमार जी के लगे बा लेकिन तेजस्वी यादव युवा बड़न उनका राजनीति के शुरुआत मात्र 5-6 साल पहले शुरू भइल और उनका के समझल नीतीश कुमार जी खातिर बड़ा मुश्किल बा भले नीतीश कुमार जी अपना रणनीति के तहत
तेजस्वी यादव के प्रयोग कर ले जब जब उनका जरूरत हो के, लेकिन तेजस्वी यादव के परमानेंट अपना पीछे पीछे चलाना बड़ा मुश्किल बा, खास करके तब जब जगतानंद सिंह श्याम रजक जैसे लोग उनका पीछे खड़ा हो के। कारण कि जगतानंद सिंह के राजनीतिक इतिहास लंबा बा, लालू प्रसाद से लेकर के राबड़ी देवी और राबड़ी देवी से लेकर के तेजस्वी यादव तक सारा लोग के राजनीति और रणनीति सबके सूत्रधार रहल बड़े। अगर बात कर जाओ श्याम रजक के, तो श्याम रजक भी बाकी बहुत लोग बा, उदयनारायण चौधरी बाड़े, मनोज झा बैठल बाड़े, ओकरा बाद आलोक मेहता बैठल बाड़े, अब्दुल बारी सिद्दीकी बाड़े, शिवानंद तिवारी बाड़े, लेकिन जे अधिक उनका साथे बा और रणनीति के पार्ट बा, वो पार्ट में रुआ जगतानंद सिंह और श्याम रजक के अक्सर रुआ उनका करीब देखो थो कम। ये लोग के रणनीति और राजनीति बड़ी लंबा बा, श्याम रजक के भी अनुभव के कमी नहीं है, चाहे बीपी सिंह के सरकार होके या फिर लालू प्रसाद के सरकार में मंत्री रहस या फिर जनता दल यूनाइटेड में मंत्रालय उनका मिलल होके और छोड़ के वो आ जास। विचारधारा से समझौता करे वाला लोग ही नहीं है। हाँ, हो सकेला कि कुछ आपसी मनमुटाव हो सकेला जोना के चलते बात अलग होके, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जे जे कोचिंग दे रहा बा तेजस्वी यादव के, उस सारा लोग परिपक्व राजनीतिज्ञ बा, और यह कारण बा कि नीतीश कुमार बार बार सोच के भी एक खेमा में आवे से डराता रहा, और डर के पीछे के कारण रुआ जानता नहीं कि का बा। आज भीतरे भीतर हम रुआ से बतौले रही कि धधक रहा बा, और ये धधकल साफ नीतीश कुमार जी के चेहरा से नजर आ गई। जगतानंद सिंह तो एकरा के धो लेले, आ धो के एकरा पर खूब जम करके काल देखनी रुआ कि कैसे शुरुआत कैले और आज तक ले प्रेस वार्ता कह के ये बात मीडिया के सामने रख ले। अब इस सारा बात में बिहार में कैसन खेला हुई, खेला तो कुछ ना कुछ हो कहीं के बाद, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी करे, नीतीश कुमार करस या फिर लालू और तेजस्वी करस, लेकिन ये पूरा माहौल बन गई बा। कारण कि नीतीश कुमार जी जौना तरीका से, अगर नीतीश कुमार जी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता कर लेता रहे, तो इरुआ मान के चले कि मुकेश सहनी और हिंदुस्तानी आवाम पार्टी यानी जीतन राम मांझी, ये दोनों नीतीश कुमार से अपन अपन राह अलग कर ली है। कारण कि नीतीश कुमार जी पर लोग भरोसा बा, और नीतीश कुमार जी अगर यह बात के लेकर के वो लोग के छोड़ के आप भारतीय जनता पार्टी से समझौता कर लेते रहे, तो नीतीश कुमार जी के मन ए लोग के नज़र में नीतीश कुमार जी के छवि का रह जाए रुआ समझौता नहीं। दूसर का है वो और कारण बा, एक और राही बा कि नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी अगर उनका के साथे नहीं खेले, तो कोशिश करिए कि यह दोनों जना के लेकर के उत्तर प्रदेश में आई, और वैसा स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से अपन हाथ खींच सकेले, तो निश्चित रूप से बिहार में एगो बरियार खेला हुई। ये दोनों परिस्थिति से अलग अगर नीतीश कुमार जी साँचों के प्रधानमंत्री के दावेदारी के अपना के योग्य समझता रहे, जौन की लगातार कहल जा रहा बा उनका पार्टी के लोग के तरफ से, हालांकि विरोध भी उनका पार्टी में बा, बाहरी सबके समर्थन कर रहा बा, यहाँ तक कि धूर विरोधी उनकर आरजेडी भी कह रहा बा कि अगर प्रधानमंत्री के दावेदारी में नीतीश कुमार के नाम आगे आवता तो हमनियों के साथे खड़ा बन जाए। ये बिहार के सौभाग्य हुई कि बिहार से केहू प्रधानमंत्री बने के राह में आई और बनी, लेकिन नीतीश कुमार जी के विरोध उनका पार्टी में बा। आरसीपी सिंह के मुंह से रुआ सुननी है कभी कि प्रधानमंत्री के दावेदार बढ़ा, और जे दावेदारी करता ओकरो के कहते रहे कि इकुल हनेरिया लोग हो और सही अंड भंड बोलत रहता लोग। एकर मतलब रुआ समझ ली कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी जौन वर्तमान परिस्थिति में मीडिया के सामने नजर आइले है, उनका भीतर के जौन खीस बा, गुस्सा बा, डर बा, उ प्रकट भइल है, और ये डर कहीं ना कहीं बिहार में एगो बड़ा परिवर्तन ले आ सकेला। ऐसा स्थिति में इंतजार करी रहो और ध्यान लगौले रह सके भारत लाइव पर, कारण कि जब खबर आई तो भारत लाइव सबसे पहले रुआ लोग के पहुँच जाई, रातों रात कभी भी कुछ हो सकेला। आज के खुटा ठोक में एजी हम रुआ लोग से विदा लें, लेकिन एगो बात निहोरा जरूर करब कि रउआ पर बिहार बा,
रुआ ई ना समझे कि रुआ वोट एक दिन दे देनी तरह जिम्मेवारी खत्म हो गई, जिम्मेवारी और बढ़ गई। कारण कि रुआ जरा के चुन के सरकार में बैठे खातिर भेजनी, जरा हाथ में बिहार के कमान देनी और जरा के ई समझ के भेजनी कि ई आदमी हमार अच्छा बुरा करी, हमरा के डूबे ना दी, वो आदमी पर ध्यान जरूर रखो। खास करके जब बिहार में महंगाई बढ़ल होके, बिहार में लगातार समस्या गंभीर हो जात होके और ऐसा स्थिति में बेरोजगारी बढ़त होके, तो राउर जागल बहुत जरूरी बा। आखिर भविष्य तो रउे बाल बच्चा लोग के बा, एकरा खातिर जागल रही सब है और भारत लाइफ पर अपन विचार जरूर लिखब सब है। कारण कि रुआ विचार से हमनी के बड़ा बल मिलेला। फिर काल भेंट हुई, काल तो ना भेंट हुई, सोमवार के दिन भेंट हुई, सोमवार के दिन फिर ऐठे भेंट हुई जनक नाम हो खुटा टोक के। तब तक ले भारत लाइव के अपना संगी सलेहर हित नाता गोतिया पटदार सबसे लाइक करवाई, सब्सक्राइब करवाई और घंटिया जरूर दबवा देव, जना से कि मुफ्त में, सेतिया में, फ्री में, बिना दाम ढेबुआ खर्चा कैले सब खबर रुआ लोग के यहाँ पहुँच जाए। गोर लागत है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।